हेलो नमस्कार दोस्तों, बड़े काम का है आपका पीपीएफ अकाउंट जहां बिना गारंटी के आपको मिल जाता है लोन। दोस्तों यदि आपके पास पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है और भविष्य में यदि आपको कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों आप इस फंड से जो है लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड को संक्षिप्त में जान लेते हैं। अगर आपको लोन की ज़रूरत है और आपके पास लोन लेने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है या आपके पास कोई गारंटी नहीं है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ को आप जरिया बना के दोस्तों लोन ले सकते हैं। और इसकी मैच्योरिटी पीरियड दोस्तों जैसे कि 15 साल की होती है, कुछ कंडीशन में आप 15 साल से पहले कुछ अमाउंट जो है इसमें से विड्रॉ करा सकते हैं। इसलिए वर्तमान में या भविष्य में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो पीपीएफ जो है वहाँ आपको जो है लोन लेने में मदद कर सकता है। दोस्तों पीपीएफ में सालाना जो है कम से कम 500 रुपये और अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपये तक एक फाइनेंशियल ईयर में जो एक वित्तीय वर्ष में निवेश किया जा सकता है और इस पर जमा होने वाली राशि और परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी होने पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो जो है कर मुक्त होता है। अब दोस्तों इस पे पीपीएफ पे लोन लेने का फ़ायदा जान लेते हैं। पहला फ़ायदा है कि आपको कुछ भी इसमें गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है और जो लोन आप लेते हैं उसको चुकाने के लिए आपके पास जो है 36 महीने का टाइम होता है। 36 महीने की जो अवधि होती है जिस महीने से आपका लोन पास हुआ उससे अगले महीने से गिनी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपने जनवरी 25 तारीख को लोन आपका अप्रूव हुआ है तो जो काउंटिंग होगी वो 1 फरवरी से आगे 36 महीने गिने जाएंगे। लोन के लिए जो ब्याज की दर पीपीएफ पर मिल रहे ब्याज से 2% अधिक होती है जो कि बैंक द्वारा दिए जाने वाला पर्सनल लोन से काफ़ी कम है। अभी हाल ही में सरकार ने जो पीपीएफ पे जो ब्याज दरें 7.60% से बढ़ाकर 8% कर दिया है तो यदि आप इस पे लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको 10% जो है इस पे ब्याज देना होगा। इसके अलावा लोन लेते वक्त जो ब्याज दर आपसे तय की गई है वही अवधि जो है पूरी बरकरार रहेगी जब तक आप लोन चुका नहीं देते हैं। भले ही उस समय पे उस 36 महीनों में ब्याज दर कम होगी या ज़्यादा होगी लेकिन आपसे वही ब्याज दर ली जाएगी जब आपका लोन अप्रूव होता है उस टाइम जो ब्याज दर होगी। पीपीएफ पर लोन लेने की शर्तें क्या है? पीपीएफ पर लोन जो है अकाउंट खुलने के 3rd और 6th वित्तीय वर्ष के बीच में ही ले सकते हैं, यानी कि लोन लेने के लिए आपका अकाउंट 2 वित्तीय वर्ष पूरे होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपने 2017-18 में अकाउंट खोला है तो उस अकाउंट पर आप 2019-20 में लोन ले सकते हैं। जहाँ तक पीपीएफ से विड्रॉल करने का सवाल है तो यह अकाउंट खुलने के 7th फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा। लोन की लिमिट 2rd वित्तीय वर्ष के आखिर में जो है मौजूदा जो पीपीएफ अकाउंट में जो आपका बैलेंस है उसका जो है 25% तक ही आप उस पर लोन ले सकते हैं। जैसे आपका 1 लाख रुपये उसमें बैलेंस है तो आप 25,000 तक का उस पर लोन ले सकते हैं। अकाउंट से विड्रॉल शुरू होने के बाद जो है इस पीपीएफ अकाउंट से आप जो है लोन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा पहला लोन चुका देने के बाद ही आप जो है दूसरा लोन ले सकते हैं, यानी कि एक लोन आपका चल रहा है तो उसी के साथ आप दूसरा लोन नहीं ले सकते हैं। आपके पहले लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितना भी आपने लोन लिया है 25,000 का मान लेते हैं, वो चुकाने के बाद जो है आप उसका जो ब्याज है वो 2 मंथली इंस्टॉलमेंट या एक साथ चुका सकते हैं या 3 मंथली इंस्टॉलमेंट, इस तरह से उसका ब्याज आप चुका सकते हैं। दोस्तों सावधानी क्या है? अगर आप 36 महीने में लोन नहीं चुका पाते हैं तो जो पीपीएफ पर मिल रहा जो ब्याज है उसमें 6% का इजाफा आपको देना पड़ेगा। जो आपको ब्याज मिल रहा है उसमें 6% और अधिक आपको देना है। जैसे 8% मिल रहा है तो आपको 14% का उस पर ब्याज देना होगा यदि 36 महीने के अंदर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो। अगर आपने उस समय अंतराल के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितने का लोन लिया है वह चुका दिया है लेकिन आपका जो ब्याज का कुछ हिस्सा बचा हुआ है तो वह जो आपका पीपीएफ
अकाउंट में जो अमाउंट है उससे काट दिया जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट और जो ब्याज है वो जो है 36 महीनों के अंदर जो है चुकाना है। लोन के लिए आपकी PPF अकाउंट का चालू होना, यानी कि उस अकाउंट को जो है सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए, उस अकाउंट का मतलब चालू हालत में होना चाहिए, यानी कि हर साल जो है आप उसमें जो है जो भी आप हर साल उसमें निवेश करते हैं वो जारी रहना चाहिए, तभी आप जो है लोन के लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो यदि आप एक किस्त आपकी मिस हो जाती है और आप फिर अगले साल जो है आप उस पर लोन लेना चाहेंगे तो इस कंडीशन में आपको इस अकाउंट पर लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों PPF अकाउंट यदि आपका है और आप फ्यूचर में आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस अकाउंट से जो है बिना कुछ चीज़ गिरवी रखे हुए आप इस अकाउंट पर पर्सनल लोन ले सकते हैं।